नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में हो सकता है एक साथ चुनाव। दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक पूरी हो सकती है चुनाव प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में हो सकता है मतदान। बीजेपी की ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह करेंगे सभी जिला अध्यक्षों से बात। महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए करेंगे चर्चा। कल इंदौर आएंगे पीएम मोदी। सैयदना साहब से करेंगे मुलाकात। पीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। रायपुर में खेल अलंकरण समारोह आज। सीएम रमन करेंगे खिलाड़ियों को सम्मानित। 95 लाख के पुरस्कार करेंगे वितरित। और आज घर घर विराजेंगे गणपति बप्पा। गणेशोत्सव को लेकर शहर में बड़ी रौनक। सीएम शिवराज ने दी गणेशोत्सव की बधाई। आज देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम शिवराज और गृह मंत्री ने सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी है। वहीं देश के तमाम हिस्सों में गणपति बप्पा मोरया के नारों के साथ विनायक की स्थापना हो रही है। छोटे बड़े और महिला पुरुष सभी वर्ग के लोग अपने घर या पंडालों में गणपति को विराजित कर रहे हैं। खासतौर से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गणेशोत्सव बेहद ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 10 दिन तक चलने वाला यह उत्सव गणेश चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंदौर आ रहे हैं। वे बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु की वाज में शामिल होंगे। मोदी के लिए 3500 जवानों की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं 125 से ज्यादा हाईटेक कैमरों से आने जाने वाले लोगों पर निगरानी की जाएगी। मोदी कार्यक्रम स्थल सैफी मस्जिद पर 30 मिनट रुकेंगे। वहीं पीएम मोदी के आने से पहले ही एयरपोर्ट रोड पर रातों रात साज सज्जा कर दी गई है और बड़े पैड डिवाइडर लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि बोहरा समाज के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी वाज में कोई प्रधानमंत्री शामिल होंगे और उनके संबोधन के लिए वाज रोकी जाएगी। 5 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं पर चुनाव आयोग गौर कर रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना शामिल है। 5 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक पूरी हो सकती है। चुनाव आयोग के वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि पुराने चुनावी कार्यक्रम को देखते हुए छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हो सकता है, जबकि अन्य राज्यों में 1 चरण में ही मतदान सम्पन्न हो सकता है। रायपुर में खेल विभाग की ओर से साल 2017-18 का राज्य खेल अलंकरण सम्मान समारोह आज आयोजित किया गया है। मेडिकल कॉलेज के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में होने वाले समारोह में प्रदेश भर के खिलाड़ियों को 95 लाख रुपए की पुरस्कार राशि बांटी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस मौके पर नेशनल में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 38 लाख रुपए और खेल अलंकरण के लिए चुने गए खिलाड़ियों को 47 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित करेंगे। हजूर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने विवादित बयान दिया है। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस को रावण की संतान बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि सीता रूपी सत्ता को पाने के लिए कांग्रेस उसका हरण करना चाहती है। कांग्रेस की ओर से रामपद गमन यात्रा निकाले जाने के ऐलान पर जब मीडिया कर्मियों ने रामेश्वर से सवाल किया तो उन्होंने विवादित बयान दे डाला। चलिए आपको सुनाते हैं कि रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा। रावण की औलाद रामराज की कल्पना कर रही है, यही हिंदुस्तान में एक प्रगति का मार्ग बन गया है। जो कांग्रेस रावण रूपी अवतरण हुआ हो, जिस कांग्रेस ने रावण की तरह छलबल करके और साधु का भेष धारण करके माता सीता का अपहरण किया हो, जिस कांग्रेस ने मामा मारिस से मिलकर स्वर्ण मृग बनकर माता सीता का अपहरण किया हो, वो कांग्रेस अब चाहती है कि मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रवादी शक्तियां सन्यासी हो गए, हम भी अब राम पद बनाने लगे और इसलिए सीता रूपी सत्ता को कांग्रेस हथियाना चाहती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया की परिवर्तन यात्रा खंडवा पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां पहुंचकर सिंधिया ने ओंकारेश्वर जी का दर्शन कर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का आशीर्वाद मांगा।
बीजेपी सरकार पर प्रदेश की बदहाली का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में ना तो बेरोजगार परेशान होगा और ना ही किसान आत्महत्या करेगा, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों के हित के लिए काम करती है। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तेल के बढ़ते दामों के विरोध में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता बैलगाड़ियों से विधानसभा पहुंचे और अपना विरोध जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी नजर आए, जिन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैलगाड़ी से विधानसभा जाने के कार्यक्रम की रूपरेखा मंगलवार को कांग्रेस दल की बैठक में ही बना ली गई थी, जिसके चलते प्रदर्शन के दौरान सभी नेता एकजुट नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस नेता कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, फिर वहां से विधानसभा के लिए निकले। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस नेता बैलगाड़ियां लेकर विधानसभा पहुंचे और तेल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार को जमकर कोसा। छत्तीसगढ़ कैग की एक रिपोर्ट में प्रदेश सरकार की मैनेजमेंट नीति को ठीक ना मानते हुए इसमें सुधार की बात कही गई है। प्रदेश के कैग चीफ बीके मोहंती ने कहा कि सरकार की कुल आय साल 2016 से 17 की रिपोर्ट के मुताबिक 53,685 करोड़ रुपए का है, लेकिन खर्च आवाहन 1,000 करोड़ किया गया है। राज्य सरकार के वित्तीय हेल्थ की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि रमन सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। कई विभाग तो ऐसे भी हैं जो अपने बजट को खर्च तक नहीं कर पाते, इसके बावजूद वो सप्लीमेंट्री बजट की बात करते हैं। इसके साथ ही सरकार के बार बार अनुपूरक बजट लाने को लेकर कैग ने माना कि सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पंचायती राज के तहत कर्मचारियों की सैलरी और अन्य सब्सिडी में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बिना 5,600 रुपए दिए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने रमन सरकार की विकास यात्रा के खर्चों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकारी खर्च पर बीजेपी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी के पास पैसा खत्म हो गया है जो सरकारी खर्च पर यात्रा निकाली जा रही है। भूपेश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस सरकार की मानसिकता आदिवासी विरोधी है। आदिवासियों का पैसा उलझुल के कामों में खर्च किया जा रहा है, इसलिए विकास यात्रा को तुरंत बंद कर देना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की तारीख में बदलाव हुआ है। अमित शाह अब 29 सितंबर के बजाय 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। शाह 2 दिनों तक यहां रुकेंगे। पीएम मोदी के जांजगीर दौरे में भी शाह उनके साथ रहेंगे। इससे पहले वे 29 सितंबर को यहां आने वाले थे, लेकिन पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए उनकी तारीख में बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अमित शाह पीएम मोदी के साथ दौरा कर प्रदेश बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को मंत्र दे सकते हैं। साथ ही साथ ये संदेश भी कि अब वो सब छोड़कर सिर्फ इलेक्शन पर फोकस करें। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की खरसिया विधानसभा सीट एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार इसके सुर्खियों में रहने की वजह है अफसर से बीजेपी का दामन थामने वाले पूर्व आईएएस ओपी चौधरी। चौधरी रायपुर कलेक्टर थे, जिन्होंने बीते दिनों बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली और अब चर्चा है कि वो खरसिया से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। खरसिया की सियासी खासियत, क्या बीजेपी ढहा पाएगी कांग्रेस का किला, या साहब शुरू करेंगे सियासी पारी, या जनता पटेल को बनाएगी सरकार। छत्तीसगढ़ की खरसिया विधानसभा सीट कांग्रेस का एक ऐसा किला है जिसे बीजेपी लाख कोशिश के बाद भी नहीं ढहा पाई। प्रदेश की स्थापना से पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में भी खरसिया में कभी कमल नहीं खिला। इतना ही नहीं, बीजेपी के संस्थापक सदस्य माने जाने वाले सुंदरलाल पटवा, लखीराम अग्रवाल और कुशाभाऊ ठाकरे की कोशिशें भी बीजेपी को जीत नहीं दिला पाई। और जशपुर राजघराने के दिलीप सिंह जूदेव यहाँ 1988 में चुनाव हार गए थे। फिलहाल ये सीट आजकल इसलिए चर्चा में है क्योंकि साहब से सियासतदान बने रायपुर के पूर्व कलेक्टर रहे आईएएस ओपी चौधरी के खरसिया से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। आइए आपको दिखाते हैं खरसिया की सियासी खासियत। 1977 में अस्तित्व में आई खरसिया विधानसभा सीट बीजेपी के पितृ पुरुष कहे जाने वाले लखीराम अग्रवाल का प्रमुख गढ़ माना जाता है। इसके बावजूद खरसिया में कभी कमल नहीं खिला। 1977 से 1988 तक कांग्रेस के लक्ष्मी प्रसाद पटेल इस सीट से विधायक रहे। 1988 में लक्ष्मी प्रसाद पटेल ने तत्कालीन सीएम अर्जुन सिंह के लिए यह सीट खाली की। 1988 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने इस सीट से चुनाव लड़ा। अर्जुन सिंह ने जशपुर राजघराने के दिलीप सिंह जूदेव को उन्हीं के गढ़ में मात दी।
1990 से लेकर 2013 तक कांग्रेस के नंद कुमार पटेल इस सीट से विधायक रहे। नंद कुमार पटेल 23 साल इस सीट से विधायक रहे। साल 2013 में झीरम घाटी नक्सली हमले में नंद कुमार पटेल की हत्या कर दी गई और नंद कुमार के बेटे उमेश पटेल ने चुनाव लड़ा। उमेश पटेल ने बीजेपी प्रत्याशी को बड़े अंतर से हरा दिया। अगर बात करें पिछले दो चुनाव की तो 2008 के चुनाव में नंद कुमार पटेल को जहां 81,497 वोट मिले थे, वहीं बीजेपी के लक्ष्मी देवी पटेल को 48,069 वोट मिले। इस तरह जीत का आंकड़ा 33,428 था। 2013 के अगर नतीजों पर नजर डालें तो कांग्रेस उम्मीदवार उमेश पटेल को 95,470 वोट मिले, वहीं बीजेपी उम्मीदवार जवाहर नायक को 56,582 वोट मिले। इस तरह जीत का आंकड़ा 38,888 था। इस विधानसभा में कुल 280 मतदान केंद्र है, जिसमें 2,99,045 मतदाता हैं और सर्वाधिक मतदाता 20 से 30 साल की उम्र के बीच है। खरसिया के जातिगत समीकरण की बात करें, पिछड़ा दलित बाहुल्य खरसिया विधानसभा सीट जातिगत समीकरणों के आधार पर दिसती है। यहाँ पर सियासी विसाद, अघरिया कोलता समाज की यहाँ आबादी 20% से ज्यादा है, वहीं साहू समाज के भी मतदाता इतने ही करीब 20% हैं। तीन चुनावों से बीजेपी ने अघरिया समाज से ही अपना प्रत्याशी उतारा और इस बार पूर्व IAS और रायपुर कलेक्टर रहे OP चौधरी भी अघरिया समाज से आते हैं और बीजेपी OP चौधरी पर अपना इस बार दाव खेल सकती है। तो कुल मिलाकर जातिगत समीकरण के जरिए इस किले को ढहाने के लिए बीजेपी रायपुर कलेक्टर रहे OP चौधरी को मैदान में उतार सकती है। चौधरी फिलहाल इस क्षेत्र में काफी नजर आ रहे हैं। इधर जोगी की पार्टी के प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी भी मुकाबले को रोचक बना सकते हैं। अब बात करें मुद्दों की तो विधायक उमेश पटेल का दावा है कि जनता की जरूरतों के मुताबिक उन्होंने काम किया। किसानों के साथ सड़क पर उतर कर लड़ाइयां लड़ी। रेल कॉरिडोर में सरकार के छल पर लगाम लगाने के लिए वे लगातार इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ते रहे। बुनियादी विकास कार्यों पर पूरा ध्यान दिया गया और मतदाताओं से सतत जनसंपर्क भी किया गया। बीजेपी का आरोप है कि भाजपा सरकार की योजनाओं से जनता को राहत मिली है। विधायक का क्षेत्र में खराब सड़कों पर ध्यान नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस को अपने गढ़ खरसिया में एक बार फिर जीत का भरोसा है। इधर बीजेपी कलेक्टर से नेता बने OP चौधरी के दम पर इस बार यहां कमल खिलाने की उम्मीद कर रही है। यहां तीसरा फैक्टर है अजीत जोगी। अगर जोगी यहां पर कोई बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। खैर, ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो जनता को ही तय करना है, पर साहब से सियासत में आए OP चौधरी और जोगी की एंट्री ने कांग्रेस के इस गढ़ में मुकाबला रोचक बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका TV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। सीएम तय कार्यक्रम के अनुसार रतलाम पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया और इसे रतलाम को समर्पित किया। करीब 367 करोड़ की लागत से बना यह मेडिकल कॉलेज उज्जैन संभाग का पहला शासकीय मेडिकल कॉलेज है। इस मेडिकल कॉलेज में पहले बैच की क्लासेस लगना पहले ही शुरू हो चुकी है और 150 विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के बाद सीएम शिवराज को विशेष कारीगरों से बनवाए गए सोने के अक्षरों से लिखित अभिनंदन पत्र से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस मेडिकल कॉलेज की सौगात रतलाम वासियों को दी है, उसे लेकर सियासत भी जोरों पर है। मंगलवार को स्थानीय सांसद कांतिलाल भूरिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जाकर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया था। तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर स्थानीय सांसद की उपेक्षा का भी आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, कांतिलाल भूरिया ने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के चलते पुलिस ने भूरिया समेत 10 लोगों पर मामला भी दर्ज किया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री माया सिंह, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने ग्वालियर में रेलवे के निर्माणाधीन कामों का निरीक्षण किया। तीनों रायरू स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने डिपो का निरीक्षण किया। इसके बाद पड़ाव इलाके में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए माल गोदाम को रायरू स्टेशन पर शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं रेलवे की तीसरी लाइन को लेकर प्लेटफॉर्म 4 में बदलाव किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, शहर में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए एक ओवरब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बाद आप पार्टी के नेताओं को भी काले झंडों का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अजय सिंह को सवर्णों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने के लिए आप सांसद छिंदवाड़ा पहुंचे। इसी दौरान शहर के मुख्य चौराहों पर प्रदर्शनकारियों ने उनका वाहन रोक दिया
और काले झंडे दिखाकर जमकर नारेबाजी करने लगे। वहीं कुछ युवाओं ने सांसद के वाहन की खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वे अंदर बैठे चुपचाप मुस्कुराते रहे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाकर सांसद की गाड़ी को आगे रवाना किया। छिंदवाड़ा की धरती पर जो भी राज्यसभा सांसद या इस तरीके के जो जनप्रतिनिधि वापस आएंगे, हम उन्हें वापस जाओ के नारे लगाएंगे, हम उनका विरोध करेंगे और इसी तरीके से ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक SC/ST कानून वापस ना हो जाए। ये हम लोग सबका वादा है और सवर्णों का, OBC का और अल्पसंख्यक हम सभी साथ में हैं और सरकार को इस चीज को समझना पड़ेगा और इस तरीके से नहीं तो विरोध हमारा जारी रहेगा। आगरा में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद देश भर में सवर्णों का गुस्सा फूट गया है। लोग जगह जगह इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में ग्वालियर में भी सवर्ण और OBC समाज के लोगों का गुस्सा देखने को मिला। विरोध में लोग सड़कों पर उतरे और गिरफ्तारी दी। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें मुचलके पर छोड़ दिया गया। दोनों ही समाज के सरकार पर जनविरोधी होने और सवर्णों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। एट्रोसिटी एक्ट का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में इसे लेकर सवर्णों का विरोध जारी है, तो वहीं भोपाल में भी सवर्णों ने मोर्चा खोल दिया। यहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए एट्रोसिटी एक्ट को काला कानून बताया। सवर्णों ने कहा कि वो इसके विरोध में 17 सितंबर को पदयात्रा निकालकर एक्ट का विरोध करेंगे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रायसेन में भी NSUI ने तेल के बढ़ते दामों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। NSUI कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर सवार होकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की मांग की है। NSUI कार्यकर्ताओं की मांग है कि प्रदेश सरकार पेट्रोल डीजल से वैट कम कर जनता को महंगाई की मार से छुटकारा दिलाए। प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। बहुचर्चित राफेल डील की गूंज अब इंदौर में भी दिखाई दे रही है। यहां सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और डील का विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेसियों ने विरोध का अलग तरीका अपनाते हुए कमिश्नर कार्यालय में विमान के खिलौने उड़ाए और जमकर नारेबाजी की। केंद्र सरकार पर 1,30,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के इस्तीफा की मांग की। सतना के रामनगर इलाके में मुआवजे की मांग को लेकर 24 घंटों से टावर पर चढ़े किसान नीचे उतर आए। मौके पर पहुंचे SDM और तहसीलदार ने किसानों को आश्वासन दिया कि पहले मुआवजा दिया जाएगा, उसके बाद ही पावर प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा। इस आश्वासन के बाद किसान टावर से नीचे उतर आए और बटैया गांव के रहने वाले 3 किसान मुआवजे की मांग करते हुए मंगलवार को टावर पर चढ़ गए थे और आत्महत्या करने की धमकी दे रहे थे। कई घंटों तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उनसे मिलने नहीं पहुंचा था, लेकिन कुछ घंटों बाद ही बहरे सिस्टम तक किसानों की आवाज पहुंची और किसान से मिलने के लिए अधिकारी आए। बालाघाट में पुलिस ने PWD के रेस्ट हाउस पर छापेमारी करते हुए 14 जुआरियों को पकड़ा है। जुआरियों के पास से 1,62,000 रुपए और 16 मोबाइल भी जब्त हुए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि रेस्ट हाउस में जुआ खेला जा रहा है और जब पुलिस ने छापेमारी की तो सूचना सही निकली है और ताश की पत्तियों पर बाजी लगाते हुए लोग रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। किसी भी योजना या कार्यक्रम के उद्घाटन को लेकर जनप्रतिनिधि कितने उतावले होते हैं, इसकी ताजा तस्वीर सागर में देखने को मिली। यहां सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने रेलवे स्टेशन पर लगी खराब लिफ्ट का ही उद्घाटन कर डाला। बड़े तामझाम के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन असलियत सारे तामझाम के बाद भी सामने आ ही गई। सागर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए वाईफाई, CCTV कैमरे और लिफ्ट लगाए गए, लेकिन यात्रियों तक पहुंचने से पहले ही वे खराब हो गए। पहले 5 सितंबर को इन सबका लोकार्पण होना था, पर लिफ्ट खराब होने के चलते कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन इतने दिनों बाद भी लिफ्ट को नहीं सुधरवाया गया और आखिरकार सांसद महोदय से खराब लिफ्ट का ही उद्घाटन करा दिया गया। वहीं जब सांसद महोदय को इस बात का पता चला तो उनसे खराब लिफ्ट का उद्घाटन कराया गया है, तो उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और कार्यक्रम से रवाना हो गए। लिफ्ट की केबल जल गई है, किसी ने उसमें कोई पेंच फंसा दिया जी, उसके चलते केबल जल गई। अब वो उनका ये है कि उसको हम ठीक करा रहे हैं, पूरी बदलवा रहे हैं उसको। अमरवाड़ा के मॉडल स्कूल में शिक्षकों की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने जिला शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों का कहना है कि स्कूल में केमिस्ट्री, गणित सहित अन्य विषयों के शिक्षकों की कमी है और शिक्षक न होने के कारण स्कूल में पढ़ाई शुरू नहीं हो पा रही है। छात्रों का ये भी आरोप है कि जिन विषयों के शिक्षक नहीं है उनकी भर्ती नहीं की जा रही है, न ही भर्ती के लिए पोर्टल पर सही जानकारी दी जा रही है, जिसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे स्कूल में जब से स्कूल स्टार्ट हुई है तब से कोई भी पढ़ाई नहीं हो रही है। 5 घंटे हम लोग बैठकर टाइम वेस्ट करते रहते हैं। पहले जो अतिथि शिक्षक थे
वो भी निकल चुके हैं। अगर शिक्षक नहीं आएंगे तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, हमारी पढ़ाई ठप हो जाएगी। आज त्रैमासिक परीक्षा था केमिस्ट्री का, वो हमारा बिगड़ चुका है, फेल होंगे सब स्टूडेंट। स्कूल में अभी तक टीचर्स नहीं हैं और हमारे एक भी विषय का कोर्स अभी चालू नहीं हुआ है, और मतलब पढ़ाई अभी कुछ भी चालू नहीं हुई है। और जिसमें हमारा आज पेपर था त्रैमासिक का केमिस्ट्री का, तो हमारे में कुछ आए नहीं ऐसा जो हम लिखते। और मैं यहाँ पर 18 जुलाई 2016 से प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ और अभी तक गेस्ट टीचरों के माध्यम से मैं अपना काम लेता रहा। इस साल मेरे पास टीचर नहीं है, इस वजह से नहीं आ रहे हैं, काउंसिलिंग से कोई टीचर आ जाएंगे, मुझे ऑफलाइन भर्ती करने के लिए अनुमति दी जाए, जिसके कारण मैं सारे टीचरों को रख सकूँ और मेरा पठन पाठन व्यवस्थित चल सके। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर देश भर के फार्मेस्ट और मेडिकल स्टोर संचालकों ने 28 तारीख को हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। फार्मेस्ट और मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि सरकार ई फार्मेसी को मंजूरी देकर उनके पेट पर लात मार रही है। साथ ही ये भी आशंका जताई जा रही है कि ऑनलाइन ई फार्मेसी से लोग गलत दवाइयां भी मंगाएंगे, जिससे नशाखोरी गड़पा जैसी कुरीतियों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी होगा। बालाघाट के बिल्ला में 11 सितंबर की रात को कुछ बदमाशों ने एक दुकानदार को अपना निशाना बनाया और उसके पास से पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। मामले की शिकायत लेकर दुकानदार पुलिस के पास गया, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और सिर्फ आश्वासन देकर छोड़ दिया। वहीं इसके विरोध में क्षेत्र के लोगों ने विधायक के साथ चक्का जाम कर दिया और थाना प्रभारी को तत्काल हटाने की मांग की। दुकानदार का कहना है कि पुलिस ने 2 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, 2 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी अभी तक फरार है। नकाबपोश द्वारा उनको धक्का देके बैग छुड़ाया गया। कितने बजे की घटना है ये? लगभग 8:30 बजे की घटना है। नहीं, वहाँ से भागा गया तो लोगों ने उसको पकड़ने का प्रयास किया गया, उसने चाकू से हमला किया है कुछ लोगों को और फिर वो भाग गया। अब मैं भी नहीं था, मैं भी चूंकि बालाघाट गया हुआ था, फिर ये लोग थाने रिपोर्ट करने गए तो PI साहब का ये कहना आया कि हम तस्दीक करेंगे कितना है, आप सही बोल रहे हैं कि नहीं, कि कहाँ का पैसा आया, क्या पैसा आया, इस तरह से वो बात कर रहे थे। मैं रात में करीब 10-10:30 बजे थाने पहुँचा। तो रात को यहाँ पे मतलब लिखवाया, रिपोर्ट लिखे कि नहीं लिखे? नहीं, मैं 10:30 बजे रात में जब थाना पहुँचा मैंने खुद बात करना चाहा, तो भी PI साहब तस्दीक के लिए लगे थे। मैंने कहा आप अच्छे से और तस्दीक कर लें, उसके बावजूद भी पूरी रात गुजर गई वो तस्दीक करने में लगे रहे, तो क्या ऐसी पुलिस कि पहले तस्दीक करेगी कि चोरों को पकड़ेगी? पहले ये तो मध्य प्रदेश पुलिस की शर्मनायक बात है कि आज मध्य प्रदेश पुलिस का सबसे ज्यादा एक खतरनाक चेहरा देखने आ रहा है कि एक आम नागरिक सुरक्षित नहीं है, 8:30 बजे शाम को लूट हो जा रहा है भरे मार्केट में, तो आम आदमी की क्या सुरक्षा करेगी पुलिस? सागर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए दुकानों से POP की मूर्तियां जब्त की हैं, साथ ही सभी दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश भी दिया। पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए NGT ने POP की मूर्तियों पर पहले ही रोक लगा रखी है, बावजूद इसके दुकानदार बेखौफ होकर इन मूर्तियों को बेच रहे थे। वही दुकानदारों ने भी इस कार्रवाई का विरोध जताया है। उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई मूर्ति निर्माता पर होने चाहिए, न कि दुकानदारों पर। अब जब मूर्तियां मार्केट में आ ही चुकी हैं, तो ऐसी कार्रवाई से दुकानदारों को काफी नुकसान होगा। अब उज्जैन में जल्द ही दिव्यांग पार्क बनने जा रहा है। करीब 2 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पार्क का निर्माण उज्जैन विकास प्राधिकरण करेगा। ये देश का पहला सुव्यवस्थित दिव्यांग पार्क होगा। इस महीने के आखिरी में ये बनकर तैयार हो जाएगा। पार्क में झूले से लेकर व्यायाम उपकरण भी लगाए जाएंगे, साथ ही इस पार्क में दिव्यांगों की सेहत का पूरा ध्यान भी रखा जाएगा। उज्जैन के घटिया तहसील मुख्यालय में बाबा रामदेव जी महाराज के जन्मदिन पर भंडारे और चल समारोह का आयोजन किया गया। चल समारोह लवखेड़ी हनुमान मंदिर से शुरू होकर नालागढ़ में बाबा रामदेव जी महाराज के मंदिर पहुंचा। इसमें युवाओं के साथ बच्चे और बुजुर्गों ने जमकर बाबा रामदेव महाराज के जयकारे लगाए और राजस्थानी गीतों पर डांस किया। वहीं लोगों ने बाबा रामदेव जी महाराज मंदिर में परंपरा अनुसार झंडा चढ़ाकर भगवान से शांति और सुख समृद्धि की प्रार्थना की। समाज के लोगों ने बाबा रामदेव जी महाराज का पिछले 1 वर्षों से भंडारा लवखेड़ी में चल रहा था, वहीं से लवखेड़ी बाबा लवखेड़ा सरकार के प्रांगण से प्रताप नगर घटिया में होते हुए जगोदी रोड स्थित नाला में हमारे पूर्वजों के टाइम से बहुत ही प्राचीन मंदिर है बाबा रामदेव जी महाराज का, वहां पर यहां पे धर्म प्रेमी जनताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत ही विशाल रैली निकाली गई और यहाँ पे मंदिर पर आकर बाबा का ध्वजा लहराकर बाबा को महाप्रसादी
का वितरण किया गया और बाबा को भोग लगाकर सभी को सद्बुद्धि की प्रार्थना। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे पत्रिका टीवी के साथ।